आज अगर अचानक आके कि हम एक यूटर्न ले लें तो चलो कोई नहीं वो लोग इस तरह कह रहे हैं तो वही मान जाओ तो फिर चौदह सदियों के पीछे दीन बदलना पड़ेगा यानी यकीनन फजीलत नस्ब रसूल वसल्लम तयशुदा है और बहुत बड़ी है लेकिन वो जो बीज बोया था फितना हवेलियाँ ने उस पर जो आज कांटे लगे हैं तो उस बुनियाद पर जिसको मोहब्बत हल बैत कहा जा रहा है और कि एक तरफ़ सादात हो गए हैं दूसरे वाले मदारस वाले हो गए हैं और ये मुकाबला हो रहा है या एक तरफ़ जो है वो यानी या ये हुसैनी हैं दूसरी तरफ यजीदी हैं यानी ये इतना बड़ा घपला किया जा रहा है मसलन यजीदियत ख़ारजियत है नासबियत है तो यही लोग जो हमारे साथ उलझते हैं यजीदों के साथ भी यही जाके जफियाँ डालते हैं तो इरातुल अदब लिफाजिल नसब इसमें पूछा गया क्या फरमाते हैं माइदीन इस मसला में कि अगर जद्द आला किसी का काश्तकार हो या माही फरोश हो मछलियाँ बेचने वाला कोई हो उसकी नस्ल में ये पेशा मामूल रहा हो या मतलूक हो गया हो तो इस सूरत में उनकी औलाद को उनकी औलाद को माशा या जुलाहा या शिकारी या अतराफ़ कहकर पुकारना जिससे उसकी दिल शिकनी होती हो दुरुस्त है या नहीं और अलावा सहबी नसल के दूसरी कौम को शेख कहना रवा है या नहीं ये सवाल था और असल इसका पास मंजर यह है कि मसला बेटा कोई किसी लोहार कुमार का है मगर वक़्त का बहुत बड़ा आलिम बन गया है उसको कोई कोसने के लिए उसके पिछलों का नाम लेता है एलोहार जादे कुमार जादे काश्तकार ज़ादे, इस तरह करके तो क्या दीन ने यहाँ भी कोई सज़ा रखी है या रोका है इन जिस तरह उधर सियादत के शरफ का तहफुज है तो जब कहीं ईमान आ गया या इल्म आ गया तो उसकी बुनियाद पर भी कोई तहफुज है या जैसे कोई कहता फिरे कहता फिरे तो आला हजरत फाजिल बरेली ने एक तो अद तहसीर जामी सगीर वहाँ से ये हदीस जिक्र की मन राजुलम बग़ैर इसमें ही जो शख्स किसी को उसका नाम बदल कर पुकारे यानी हदीस पेश करना मकसूद है हम अपने लिए किसी से अदब की भीख नहीं मांगते लेकिन आखिर दीन ये भी है मन दा राजम बगैर इसमें ही सिर्फ मोमिन है अगर चालिम ना हो हुल मलाए का तो जो बिगाड़ कर किसी का नाम ले अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं और फिर औसत में, में संद हसन से है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आजा मुसलमन फकद आजानी जिसने किसी मुसलमान को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी यानी वो हदीस जो सैद फातिमा रदी अल्लाह अनहा के लिहाज से है कि जिसने उन्हें अजियत दी सरकार फरमा उसने मुझे अजियत दी यकीन वो अजियत तो बहुत बड़ी अजियत है और वो बड़ा बदनसीब है कि जो सैद फ़ातिमा रदी अल्लाह तहा को अजियत दे और फिर वो अजियत आगे सरकार तक पहुँचे लेकिन रसूल पाक सल वम ने तो इधर ये भी फरमाया है कि मन आजा मुसलमान फ़कद आजानी व आजानी फ़कद आज़ल्ला कि जिसने किसी मुसलमान को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी और जिसने मुझे अजियत दी उसने गोया के अल्लाह को अजियत दी यानी अजियत देने की कोशिश की अल्लाह तै का फ़रमान है जारूबम वक़बा तारफ़ु इन नकरमकल्ला अतकुम कि हमने तुझे शाखें और कबीले बनाया कि आपस में पहचान रखो बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है और साथ हदीस लिखी मन अब ताभी आमालू हू लम युसरे भी नासा बहू ये हदीस दूसरे लफ्जों से भी है बाब तफी से मम बत्ता भी आमालूहू कि जिस बंदे को उसके अमल ने सुस्त रफ्तार कर दिया उसका नसब उसे तेज रफ्तार नहीं कर सकता यानी अमल की बेस पे वो पीछे रह गया तो नसब की बुनियाद पर कहा जाए कि चूंकि इसका नसब फजीलत वाला है तो अगर चीज़ ने कुछ नहीं किया इसको स्पीड लगा के आगे कर दो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा युसरे भी नसब हु अब इस पर आगे वजाहत हम करेंगे लेकिन इस फतवे के अंदर जितना आलात ने लिखा मैं उसका तर्जमा पेश कर रहा हूँ कि जिसने शरीयत के मुताबिक अमल करना छोड़ दिया उसका नसब काम न देगा और साथ ही वकौल दीगर ए अमली या फातिमाथु वातकूल इन्नी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूल अक्रम सम का दूसरा फरमान है अभी ये सिर्फ तर्जमा मैं कर रहा हूँ खुद आला हजरत ने भी इस अदीज़ पर बड़े वजाहत से लिखा उसमें जो वहाबियों का मौक़ है यहाँ पर उसको रद्द किया और इसे इस रतमीम कहते हैं खुद जो अवलिन सैद थे आज के मुकाबले में जिनकी नस्बत करोड़ दर्जे पहले की थी उनके लिए जब हदायत थी तो इनके लिए क्यों नहीं है तो आला हजरत फाजिल बरेली रहमत है फरमाते हैं दूसरा कौल है कि शरीयत पर अमल करो ए फातिमा रदी अल्लाह त और ये ना कहो कि रसूल अल्लाह की बेटी हूं अल्लाह की बेटी तो हैं ये ना कहो कि मतलब यह कि कहीं ऐसा ना करना के अमल ना करो सिर्फ इस बेस के बेस पर कि मैं सरकार की बेटी जो हूं यह सरकार दो आलम सल्ला वसलम खुद फरमा रहे हैं जो अरबी लिखी बे आला सौत निदाकुन पहली आयत और दोनों हदीसें जिसको उसका अमल सुस्त कर दे नसब तेज नहीं करेगा और अः फातिमा ये ना कहना कि मैं रसूल अल्लाह सल वसम की बेटी हूँ बल्कि ये अमली अमल करो आल कहते हैं बुलंद आवाज से ये हदीसें ऐलान कर रही हैं कि शराफ्त नसब के अक्सर जाहिर लोग जहालत और हमाकत और हालात बुजुर्गान दीन और सलफ़ सालीन और सिबा कामिलीन और अम्बिया मुरसलीन के आला से नाबाकफियत की, की वजह से इस पर फख्र करते हैं अल्लाह तला के नजदीक बेवुकत है मिसल हबा अम मंसूरा है अलबत् मर्द की शराफत इलम से होती है और जिन्हें इलम दिया गया वो दर्जों में हैं। अब एक आयत इक्रमाकुम इन अतका दो हसी से मन अब तभी आमालू अभी ही न सब हो और फिर आगे एम अली या फातिमा तो वला तकूली इन्नी वसल्लम कहा का ये बुलंद आवाज से ऐलान कर रही हैं ये पैगाम ये खुलासा है इनका के शराफ़्त नसब के अक्सर जाहल लोग यानी जो आज ला जाए शर्फ नसब का मतलब कि अक्सर जाहर लोग जहालत व हमकत और हलात बुजुर्गान दीन और सलफ़ सालीन और सहबा काबिलीन और अम्बयाव मुरसलीन के आला से नाबाफियत की वजह से इस पर फख्र करते हैं किस पर शराफ्त नसब पर अक्सर जाहल लोग मजकूरा हस्तियों के आलात से नाबाकफियत की वजह से फखर करते हैं अल्लाह के नज़दीक बेवुकत है यानी वो फख्र अल्लाह के नज़दीक बेवुकत है मिसल हबा अम मनसूरा है हबा अम मनसूरा कि बंद कमरे में दिन के टाइम जो किसी छोटी सी किरण कहीं से दाखिल हो और उड़ते ज़र्रात जो उसमें नज़र आते हैं वह हबा मंसूरा यानी ये शरफ नहीं अलबत्ता मर्द की शराफत इल्म से होती है